वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। कैरेबियाई टीम विराट ब्रिगेड के सामने ठहरती नजर नहीं आ रही है। पहले T20 सीरीज भारत ने जीती, फिर वनडे में भी शानदार प्रदर्शन की बदौलत विंडीज को मात दी और अब पहले टेस्ट में भी मेजबान टीम को करारी शिकस्त दी है। तो विंडीज पर कैसे भारी पड़ी विराट सेना और मैच के दौरान कोहली ने बनाया कौन सा रिकॉर्ड, इस रिपोर्ट में देखिए। विराट ब्रिगेड ने टेस्ट मैच में दिखाया दम, कैरेबियाई टीम पर हासिल की सबसे बड़ी जीत। भारत के सामने ढेर हुए विंडीज खिलाड़ी। जी हां, मैन ऑफ द मैच और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के शतक और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन मेजबान विंडीज को सबसे बड़ी शिकस्त दी। विंडीज को 318 रनों से मात देकर विराट ब्रिगेड ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहली पारी में 297 रन का स्कोर बनाया था और उसने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 222 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत को इस तरह पहली पारी में 75 रन की बढ़त हासिल थी। रहाणे का शतक हनुमा विहारी के 93 रन और कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक की मदद से अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 343 रन बनाकर भारत ने पारी घोषित कर दी और विंडीज के सामने जीत के लिए 419 रनों का लक्ष्य रख दिया। भारत के 419 रनों के लक्ष्य के जवाब में विंडीज 100 रन पर ही ढेर हो गई और उसे 318 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की टेस्ट क्रिकेट में ये चौथी सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही विराट कोहली ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। धोनी और कोहली बतौर कप्तान अब तक 27-27 टेस्ट मैच जीत चुके हैं। धोनी ने जहां 60 मैचों में बतौर कप्तान 27 मैच जीते थे, तो वहीं कोहली ने 47 मैचों में बतौर कप्तान 27 मैच जीते हैं। इसके साथ ही कोहली ने घर के बाहर बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। घर के बाहर बतौर कप्तान कोहली की ये 12वीं जीत है, जबकि गांगुली ने घर के बाहर बतौर कप्तान 11 मैचों में जीत हासिल की थी। गांगुली ने जहां 28 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी, तो वहीं विराट कोहली ने 26 मैचों में ये कारनामा कर दिखाया। वहीं इस जीत के साथ ही विराट कोहली 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं। भारत की ओर से बुमराह के 5 विकेटों के अलावा ईशांत शर्मा ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट झटके। वहीं कोहली ने इस जीत के बाद टीम की जमकर तारीफ की। कोहली ने कहा कि अजिंक्य रहाणे, लोकेश राहुल दोनों ने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की। हनुमा विहारी ने भी अच्छा साथ दिया। हमें मैच में 3-4 बार वापसी करनी पड़ी। कोहली ने कहा कि बुमराह, ईशांत और शमी बढ़िया गेंदबाजी ग्रुप के तौर पर सामने आए हैं। आपको बता दें कि अब दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत 30 अगस्त से होगी, जिसमें भारत अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा, तो वहीं विंडीज टीम इसे तोड़ने के लिए और अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। DB Life की रिपोर्ट।